और आखिरी इन्होंने जो हर बार इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का मसला। अजीज भाइयों, नोटबंदी जिसके जरिए गरीबों की कमर तोड़ दी गई, गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, यह मुल्क का वाहिद वजीर आजम है जिसको हर शख्स ने गालियां दिया। अब एनआरसी के जरिए से हुकूमत की यह कोशिश है कि यहां का दलित एससी बीसी मुसलमान फिर से लाइन में खड़े हों और मुल्क के हुक्मरानों को गालियां दें। पूरा मुल्क चीख रहा चिल्ला रहा है, हमारा मुल्क का वजीर आजम वजीर दाखिला सो रहा है और ये कह रहे हैं कि आवाम जनता खुश है। हाजरीन, जीएसटी के जरिए से तिजारत को खत्म कर दिया गया और एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां के लिए। अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इस वक्त अवाम का अदालतों पे से इतमाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब यह मालूम हो गया कि अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। अवाम को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, मासूम एहतजाजों पर फायरिंग की गई, पूरे देश के अंदर 20 मुसलमान नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मैं उनको सलाम करता हूं जिन्होंने इस एनआरसी CAA के खिलाफ एहतजाज किया और अपनी जानों को कुर्बान किया। अजीज भाइयों, इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म शांति और प्रेम की बात करता है, यह मर्यादाओं की बात करता है, यह जानवरों से भी मोहब्बत करता है, ये लेकिन आज मरकज के अंदर जो दरिंदा सिसक हुक्मरानी कर रहे हैं जिसके जरिए से पूरे मुल्क की